दोस्तों आप सामने जो देख रहे हो वो है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम मद्रास था और जो नया नाम है वो है पुराची थलाइवा डॉक्टर एमजी रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और ये एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और चेन्नई के बिल्कुल सेंट्रल में है, इसलिए ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये लग रहा है बाहर से देखने में, और साथ ही साथ हमारा प्यारा तिरंगा कितने शान के साथ लहरा रहा है। तो अंदर चलते हैं, इस रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कितना जबरदस्त है ये रेलवे स्टेशन। जैसे ही आओगे ना तो देखो ये जो देख रहे हो आप शेड बना हुआ है, यहाँ पर लोकल बस आकर रुक रही है, जो यहाँ पर लोकल बसेस चलती है, तो आप उनकी मदद से भी कहीं तक भी पहुँच सकते हो। बढ़िया चीज़ है, होनी चाहिए। अब मैं आपको मेन एंट्रेंस से लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेन एंट्रेंस यही वाला है। तो यहाँ से चलते हैं हम अंदर और देखते हैं भाई, एंट्री करते हैं, आपको क्या अलग देखने को मिलता है चेन्नई सेंट्रल पर। तो अगर आपको चेन्नई रेल म्यूजियम घूमना है ना, तो आप यहाँ पर भी जा सकते होंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप एंट्री करोगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंक्वायरी, जहाँ आप अपने ट्रेन के बारे में जानकारी ले सकते हो। इधर चलोगे तो सामने प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे जितने भी, क्योंकि एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है ना, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और यहाँ पर किसी भी तरीके का वेटिंग रूम तो नहीं मिलता, बट हाँ प्रीपेड वेटिंग हॉल बहुत सारे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख भी रहा है वेटिंग रूम पे अगर आपको पहुँचना है तो कैसे पहुँचना है। वेटिंग हॉल के लिए प्रीपेड एसी वेटिंग हॉल के लिए, एसी रिटायरिंग रूम के लिए और लेडीज एसी डॉर्मेट्री के लिए आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम भी करेंगे जब यहाँ पर अभी चलेंगे ऊपर की तरफ। बट आप देख सकते हो भाई कितना बढ़िया और कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर बहुत सारे चेयर्स हैं जहाँ आप अपना वेट कर सकते हो ट्रेन का। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पर कैटरिंग स्टॉल वगैरह सब है जहाँ पर आप खाना पीना कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर एसी डॉर्मेट्री भी है जो इधर की तरफ है, आप देख सकते हो राइट हैंड पर। यहाँ पर आप 12 घंटे के लिए 265 रुपीज़ देकर रुक सकते हो। ये एसी डॉर्मेट्री है तो आपको बेड मिल जाएगा, बाकी आपको नहाने के लिए भी जो सुविधा है वो मिल जाएगी। कह रही है कैटरिंग स्टॉल यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ऑन प्राइस मिलता है और आपको सब कुछ ही मिल जाएगा जो आपको खाना है, मतलब वो सब कुछ जो आप खाना चाहते हो वो मिल जाएगा। बात करते हैं ऊपर की तरफ, जब आप देखोगे ना एक बार नज़र उठाकर, तो आप देख सकते हो सेंट्रल स्टेशन ओल्ड मद्रास 1925 की पिक्चर लग हुई है, ऐसी एक और पिक्चर लग हुई है और उधर पिक्चर लिख हुई है, और सभी पिक्चर्स में डेट भी डल हुई है कि वो कब की क्लिक हुई है, जिसकी वजह से भाई देख कर मजा ही आ गया। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है। देखिए कुछ भी कहो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये जो ओल्ड पिक्चर्स हैं उनको देखकर, क्योंकि ओल्ड पिक्चर्स देखने के बाद में ना ऐसा लगता है कि भाई कहाँ से कहाँ आ गए, तो मज़ा आता है देखकर। खैर आपको यहाँ पर सामने डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिस पर आपको ट्रेन्स की जानकारी मिल जाएगी तीन लैंग्वेज में, तमिल में, हिंदी और इंग्लिश। आप सामने देख सकते हो यह है डिस्प्ले जहाँ पर आप अपनी ट्रेन की जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हो। तो गाइस बात करते हैं रेलवे स्टेशन के बारे में, तो यहाँ पर टोटल मिला के 12 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से जो 5 प्लेटफॉर्म है ना वो सबर्बन वाले हैं। तो टोटल मिला के अगर बात करें तो 17 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो कुछ प्लेटफॉर्म है ना वो सेम ही प्लेटफॉर्म है, बट उसको मल्टीपल डिवाइड कर दिया गया है, जिससे ज़्यादा सबर्बन को ऑपरेट किया जाता है। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ सारे प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ पर है। तो गाइस आप जब इधर की तरफ यानी कि राइट हैंड पर मुड़ोगे, तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए रास्ता देखने को मिल जाएगा। आप इधर से भी एंट्री कर सकते हो, इधर से भी एंट्री है, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो। बस इधर देख सकते हो आप प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 दोनों मिल जाएंगे। और सामने खड़ी है शताब्दी, बेंगलोर शताब्दी, जो कि चेन्नई और बेंगलोर के बीच में ऑपरेट होती है। तो हम चलते हैं बाकी के बचे हुए प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि सारे ही प्लेटफॉर्म लगभग सेम से हैं। और मेट्रो और सबर्बन रेल सेक्शन के लिए अगर आपको जाना है तो बिल्कुल सीधे चले जाइए, और सीधे उधर देख सकते हो आप, इधर ये बना हुआ है, तो इधर आप चले जाओगे ना तो आपको सबर्बन ट्रेन देखने को मिल जाएंगी। तो आप जैसे ही इधर आओगे ना तो देखो आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म 3 लिखा हुआ है सामने, मतलब आपको देख नहीं रहा होगा, कैमरे में नहीं आ रहा, बट प्लेटफॉर्म 2A भी लिखा हुआ है। तो 3 और 2A एक साथ है, और जबकि मैंने आपको 2 भी दिखा दिया था, तो 2 जो प्लेटफॉर्म 2 है ना उसमें दो चीज़ें कर रखी हैं, मतलब 2 और 2A दोनों मिला रखे हैं। सो गाइस आप ये जो देख रहे हो ना, ये है प्लेटफॉर्म 4 और 5 का व्यू, आप देख सकते हो भाई साहब यहाँ पर खड़ी है पिनाकिनी एक्सप्रेस जिससे हम आए थे, और इधर एक और ट्रेन खड़ी है जिसका नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि दिख नहीं रहा। तो ये है प्लेटफॉर्म 5 और इधर ये प्लेटफॉर्म 4, और उधर 3 था और 2A था और 2 भी था। तो समझ गए आप, इस तरीके से यहाँ पर 17 प्लेटफॉर्म है, एक्चुअल वाले 12 हैं बट सबर्बन को लगा लेते हैं हम, तो टोटल मिला के आपको 17 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है। बाकी आगे के जो प्लेटफॉर्म है उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको रिफ्रेशमेंट रूम भी देखने को मिल जाएगा, और ये देखिए इस तरीके से बफर लगे होते हैं जैसे कि जो इंजन वगैरह टकराए
तो दिक्कत ना आए, थोड़ी बहुत अगर टच भी हो जाए तो दीवार ना टूटे, बफर लगाए जाते हैं इस वजह से। तो आप सामने ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ खाने का मिल जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पर साउथ इंडियन फूड ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, नॉर्थ इंडियन फूड मिलने में बहुत परेशानी यहाँ पर आपको होने वाली है। तो अभी आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म 607 की तरफ और बाकी जो रेलवे जो प्लेटफॉर्म है उनकी तरफ भी चलते हैं। देखो इधर लिख भी रहा है। बात करें इस रेलवे स्टेशन के बारे में तो इसका जो स्टेशन कोड है वो MAS है, और MAS इसलिए है क्योंकि पहले इसका जो नाम हुआ करता था वो मद्रास का, बट बाद में चेन्नई सेंट्रल हुआ और अभी आपको मैंने बता ही दिया वर्ल्ड का सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन ये बन चुका है। डॉक्टर कराची फ्लाईओवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन काफ़ी लंबा नाम है और थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ऊपर ही 7/11 लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप 7/11 के लिए यहाँ से रास्ता है और इधर 6 और 7 प्लेटफॉर्म है, आपको दिख भी रहे होंगे। तो 7/11 की तरफ मतलब 6 और ये जो प्लेटफॉर्म है बाकी के उनकी तरफ चलते हैं। और इधर भी आपको वाटर रिफिलिंग की सुविधा मिल जाएगी, आप अपनी जो पानी की बोतल है उसको रिफिल करा सकते हैं, सेम ही प्राइस है जो विजयवाड़ा पर था, मैंने आपको दिखाया भी था। और इधर भी आप देख सकते हो बिल्कुल सेम ही प्राइस है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको जब आओगे ना तो यहाँ पर भी काफ़ी टर्मिनल प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। ये देखिएगा दोस्तों इधर ट्रेन खड़ी है जो इससे आगे नहीं जा सकती। और अच्छी बात ये पता है क्या बड़ी बात लगी मुझे कि यहाँ पर WAP-4 काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनें ICF हैं, बट उन WAP-4 में आपको कवच देखने को मिल जाता है। आप देखो इस पर साफ साफ लिखा हुआ है तो कवच है इनमें, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब इस सेफ्टी को देखते हुए। भले ही मैं मानता हूँ कि ICF इतने सेफ नहीं होते हैं, बट फिर भी जितनी सेफ्टी हो सकती है उतनी करी गई है। और अच्छी बात है दूसरी ये भी है कि ये जो रेल जो ये ट्रेन है ना ICF वाली, इनमें मोस्टली में CVC कपलिंग का भी यूज़ हो रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों बात करें इस रेलवे स्टेशन के बारे में तो ये जो रेलवे स्टेशन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट है मुंबई की जो मेन लाइन है वो यही वाली है जिससे जो ये रेलवे स्टेशन उसको कनेक्ट करता है। इसी तरीके से चेन्नई नई दिल्ली लाइन, चेन्नई हावड़ा लाइन और चेन्नई बेंगलुरु लाइन, ये 4 मेजर लाइन्स आपको देखने को मिल जाती है। मतलब ये है कि आप भारत के हर कोने में इस रेलवे स्टेशन पर आराम से पहुंच सकते हो। तो इधर देख सकते हो हम, ये है प्लेटफॉर्म 9। अब चलते हैं बाकी इधर की तरफ प्लेटफॉर्म 10 और 11 की तरफ। और गाइस आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त फोटो लगा हुआ है यहाँ पर विक्रम बेधा का। तो इस तरीके से अब एडवर्टाइजमेंट रेलवे करने लगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रेलवेज़ को जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा इनकम के सोर्स बनाने चाहिए। और गाइस यहाँ पर खड़ी है कोयम्बटूर चेन्नई सेंट्रल सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि एक इंटरसिटी टाइप है। आप देख सकते हो आगे कोच ब्लू कलर के। तो बात करें इस रेलवे स्टेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई भी मिल जाता है, हालांकि उसकी स्पीड आप जानते ही हो अब इतनी अच्छी नहीं आती है। और भाई बालों का बड़ा बुरा हाल है यहाँ पर आकर। तो बात कर रहे थे हम इस रेलवे स्टेशन के बारे में, और कुछ आपको जो जानकारी है वो मैं बता देता हूँ। गाइस इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था 1873 में, तो 1873 में इसको ओपन किया गया 149 साल पहले। तो आप समझ सकते हो भाई 150 साल पुराना अभी हो जाएगा रेलवे स्टेशन। और इसके अलावा इसको फर्स्ट टाइम रीबिल्ड किया गया 1959 में, और फिर 1998 में सेकेंड टाइम रीबिल्ड किया गया, यानी कि यहाँ पर जो सुविधाएं थी उनको बढ़ाया गया और जो जो यहाँ पर रिनोवेशन हो सकते थे वो सारे किए गए। बड़ी बात यह है कि ये जो रेलवे स्टेशन है ना वो 1931 में ही इलेक्ट्रीफाइड हो गया था। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर कितनी ही पहले इलेक्ट्रिक ट्रेनें चला करती थी। गाइस बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर, तो ये पहली बार नहीं है जब इसका नाम बदला गया है, पहले भी इसका जो नाम है वो बदला जा चुका है। सबसे पहले जब मद्रास का नाम, तो 1996 में इसको बदल के किया गया था चेन्नई सेंट्रल, और उसके बाद में 2019 में इसका जो नाम है वो बदल दिया गया। और ये जो नाम है ना वो लिया गया है तमिलनाडु को जिसने फाउंड किया, यानी कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे वो पहले चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने ही इसको फाउंड किया था, तमिलनाडु को फाउंड किया था। और तमिलनाडु का ये काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो उनकी ही याद में या फिर कहें उनके ही नाम पर इस रेलवे स्टेशन को जो नाम है वो दिया गया है, जो कि है कुराची फ्लाईओवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया हो तो माफ़ कर देना, तो काफ़ी बड़ा नाम है तो इधर उधर नहीं होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि मैंने सही बताया होगा। और बात करें दोस्तों इस रेलवे स्टेशन के बारे में, तो ये जो रेलवे स्टेशन है ना यहाँ पर करीब 6.5 लाख पैसेंजर्स हर दिन आते हैं, तो एक बहुत बड़ा नंबर है पैसेंजर्स का। और एक ही रेलवे स्टेशन नहीं है ये, मतलब जो चेन्नई सेंट्रल है ना ये तो है ही है, साथ में चेन्नई एगमोर वहाँ से भी बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं। हालांकि जो चेन्नई एगमोर है ना उसको बनाने का रीज़न सिंपल था, यही था वो एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन नहीं है तो वहाँ से ट्रेनें पासेज होती हैं। तो नेक्स्ट जो ब्लॉग है उसको कोशिश करेंगे चेन्नई एगमोर का बनाया जाए। तो ये जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है, उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी।
और 6.5 लाख पैसेंजर सुनकर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। और इसी वजह से ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो अगर साउथ इंडिया में अगर बात की जाए सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की, तो वो है हमारा चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इस वीडियो खत्म करने से पहले दो बातें और बता देता हूँ। अभी आपको करंटली यहाँ पर 70 ट्रेन टर्मिनेट होती हुई दिख जाएंगी और 70 यहाँ से ऑल्टरनेट होती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 22 ट्रेन का हॉल्ट देखने को मिल जाता है। हॉल्ट इसलिए क्योंकि जो सबर्बन ट्रेन है ना, उनमें आप जानते हो लोगों को इधर से उधर तो करना पड़ता नहीं है, तो वो आते हैं हॉल्ट करके चले जाते हैं, इस वजह से हॉल्टिंग ट्रेन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ओवरऑल बात करें इस रेलवे स्टेशन के बारे में, तो ये आता है साउदर्न रेलवे जोन में और सेंट्रल चेन्नई सेंट्रल डिवीजन में, यानी कि ये अपने आप में डिवीजन भी है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रेलवे स्टेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। सो गाइस, चेन्नई सबर्बन जो रेलवे स्टेशन है वो ये वाला है, सामने वाला, जहाँ पर बचे हुए प्लेटफॉर्म है 7 के 7।